Very good morning to all my dear students. Hope you all are good. This is your fifth lecture of class 1 subject English language. Students, आज आप लोग का नया chapter start हो रहा है, chapter number 3. ठीक है, chapter number 3 है naming word. तो सबसे पहले जानेंगे कि naming words किसे कहते हैं. ठीक है, तो naming words क्या है? Words that are used to name a person, place, animal, bird or thing are naming words. Such naming words are called nouns. तो किसी भी मतलब नाम के मतलब किसी भी स्थान या किसी भी जानवर, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, तो नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? नाउन. नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन भी कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स बोलिए या नाउन बोलिए, एक ही बात है. तो वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड और थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर, इसके नाम को हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं. एग्जांपल देखिएगा, बॉय, पेंसिल, डॉग, पिकअप, स्कूल एट्सेट्रा. बॉय किसी व्यक्ति का नाम, मतलब कोई व्यक्ति है. पेंसिल मतलब कोई चीज़ है, वस्तु. डॉग कोई जानवर है. पिकअप ये कोई बर्ड है. स्कूल ये जगह है. ठीक है, तो वो एग्जाम्पल में आ गया आपका. अब हम एग्जाम्पल को आप लोग को डिटेल में ऐसे समझाते हैं. ठीक है, नंबर वन देखिएगा, ए बॉय इज अ पर्सन. ए बॉय क्या है? एक पर्सन है. ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्या हो गया? नेमिंग वर्ड्स नाउन क्या हो गया बताइए आप लोग? बॉय. ठीक है, बॉय क्या है? एक पर्सन है. सेकंड में, ए पेंसिल इज अ थिंग. पेंसिल क्या है? एक थिंग है. तो पेंसिल हो गया हमारा नेमिंग वर्ड. ए डॉग इज एन एनिमल. डॉग क्या है? एक एनिमल है. डॉग क्या हो गया? नेमिंग वर्ड. ए पिकक इज अ बर्ड. पिकक क्या हो गया? हमारा बर्ड है, तो पिकक हमारा नेमिंग वर्ड. ए स्कूल इज अ प्लेस. स्कूल क्या है? प्लेस है, जगह है, इसलिए स्कूल हमारा नेमिंग वर्ड्स हो गया. सो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं. ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे. ठीक है, अच्छे से इसे प्लीज़ बढ़िया से लिख के और लर्न ज़रूर कीजिएगा. मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इस पर आप लोग को कुछ बनाने के लिए दूंगी. ठीक है, तब तक आप लोग इसे याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे इसे अच्छे से एग्जांपल के साथ. ओके, विथ एग्जांपल इसे याद करना है. ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ़ यू.